हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित हम यहाँ बात कर रहे हैं। सीआईबी का एबीएम यूनिट नंबर वन है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में चलते, इकोनॉमिक्स का परिभाषा क्या है वो थोड़ा समझते हैं। तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स उस चीज को बोलते हैं जो कि डील करता है आपका प्रोडक्शन के साथ, एलोकेशन के साथ, और कितना गुड्स और सर्विसेज को आप इस्तेमाल करते हैं यानी यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरे भाषा में अगर हम बोले इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है साइंस का जो कि स्टडी करता है कि ह्यूमन बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप रहेगा, जो भी उसको सामान मिल रहा है, ठीक है, और अगर उस सामान की कमी हो जाए तो, यानी इंड्स एंड स्कार्स, ठीक है। साथ ही साथ इसका कोई अल्टरनेटिव यूज हो सकता है कि नहीं, तो ये होता है। यानी इकोनॉमिक्स एक साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, एक रिलेशन जो कि ये बताता है कि उस ह्यूमन बिहेवियर का या ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इंड्स और स्कार्स, यानी बहुत ज्यादा सामान है या बहुत कम सामान है, और क्या आप उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, यानी क्या कोई दूसरा यूज क्या कर सकते हैं। एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा जानते हैं। एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको। इनका एक बुक था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इनका बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि पब्लिश हुआ था 1776 को, और इसमें डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को कैसा, उन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ है, और उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स जो होता है स्टडी है वेल्थ का, कि कैसे वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरीके से वेल्थ को कंज्यूम किया जाता है, इसलिए इसका डेफिनेशन पड़ा वेल्थ डेफिनेशन। अब अल्फ्रेड मार्शल जो थे, जो अल्फ्रेड मार्शल थे, वो व्यू करते हैं इकोनॉमिक्स को कि इकोनॉमिक्स एक तरीके का ह्यूमन वेलफेयर सब्जेक्ट है साइंस का। इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन वेलफेयर सब्जेक्ट है साइंस का, इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स को बोला ह्यूमन वेलफेयर, एक मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस का ब्रांच है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के साथ डील करता है, इसलिए इनका डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन बताया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप तो जान ही चुके हैं, हमने भी बताया आपको कि एडम स्मिथ को यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर माना जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, और ये एक ब्रांच इकोनॉमिक्स का जो कि डील करता है इंडिविजुअल एंटिटी के साथ, यानी जो केवल एक चीज के साथ डील करता है। उदाहरण के लिए आप समझेंगे, मार्केट हो गया, फर्म हो गया, इंडिविजुअल हो गया, हाउस होल्ड्स हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जहां पे कि कैसे, जहां पे स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से हाउस होल्ड या फर्म जो होता है डिसीजन मेकिंग करता है, यानी डिसीजन लेता है कि कितना रिसोर्स उसको यूज करना है, कितना गुड्स और सर्विसेज उसके कारण बिकेगा या खरीदना है, ठीक है, बेचना है या खरीदना है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक तरीके का इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जहां पे कि ये स्टडी किया जाता है, ये पढ़ा जाता है कि कितना हाउस होल्ड यानी घर का सामान हो गया और जो फर्म हो गया वो लोग आपस में डिसीजन करते हैं या डिसीजन मेकिंग होते हैं कि भाई हाँ इतना सामान का एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, इतना गुड्स और सर्विसेज बिकेगा और खरीदा जाएगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तरीके से एग्जामिन करता है, या फिर आप बोल सकते हैं एनालाइज करता है कि मार्केट बिहेवियर क्या होगा किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर का, ठीक है, और फर्म का, जहां पे ये समझने का कोशिश किया जाता है कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है फर्म का या हाउस होल्ड का इफेक्ट में करेगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एग्जामिन करता है और एनालिसिस करता है कि क्या मार्केट बिहेवियर होगा इंडिविजुअल का और कंज्यूमर का और फर्म का, इस अटेम्प्ट में कि वो समझेगा कि क्या डिसीजन होगा आपका मेकिंग प्रोसेस, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो फर्म का होगा और हाउस होल्ड का होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का जो कि डील करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस का पूरा इकोनॉमी या फिर कंट्री का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो कि डील करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो इकोनॉमी का होगा या फिर पूरा कंट्री का होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करता था 1936 तक, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स था ही नहीं 1936 तक, ठीक है। जॉन मैनार्ड काइंस ने पब्लिश किया बुक जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसके बाद ही माइक्रो इकोनॉमिक्स दुनिया में आया है, इसका अस्तित्व आया है 1936 में, ठीक है। यहाँ पे एक मेगा ऑफर है और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है।
यहाँ पे आपको जेआईबी और सीआईबी की कोर्सेज कराई जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से वीडियो लेक्चर कोर्सेज दे सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो दे सकते हैं, 2007 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। अगर आप कोई भी सिंगल जेआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 600 रुपये। अगर आप जेआईबी का कॉम्बो पैक खरीदते हैं, यानी दोनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 1500 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं, एबीएम प्लस बीएफएम, जिसका दाम है 3500 रुपये, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 1100 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 1500 रुपये। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं, कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज और कॉम्बो पैक के मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया save@dsina123@gmail.com।